जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं आयु का ज्ञान कैसे करें, कुंडली देख करके, मात्र कुंडली देख करके आयु को कैसे जाने कि इसकी आयु जो है दीर्घायु है या अल्पायु है या पूर्णायु है, क्या है इसको जो है कैसे जाने, इस विषय में जो है तो चर्चा करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि यदि पुरुष की कुंडली हो तो उसमें सूर्य से और चंद्र की कुंडली, स्त्री की कुंडली हो तो चंद्र से विचार करना चाहिए। अर्थात स्त्री की कुंडली में यदि चंद्र बलवान हो, पुरुष की कुंडली में सूर्य बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति जो है तो दीर्घायु होगा। केंद्र में शुक्रग्रह हो तथा 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति पूर्णायु होगा। लग्नेश तथा सभी शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो तो व्यक्ति पूर्णायु होगा। लग्नेश तथा सभी शुभ ग्रह पणफर भावों में स्थित हो, अर्थात 2, 5, 8, 11 इन भावों में हो तो व्यक्ति मध्य आयु वाला होगा। लग्नेश तथा सभी शुभ ग्रह आपोक्लीम भाव में हो, अर्थात 3, 6, 9, 12 इन भावों में हो तो व्यक्ति अल्प आयु होगा। अष्टमेश एवं सभी क्रूर ग्रह केंद्र में स्थित हो तो व्यक्ति जो है अल्पायु होगा। अष्टमेश एवं सभी क्रूर ग्रह पणपर में हो तब भी व्यक्ति मध्य आयु होगा। अष्टमेश तथा जो है सभी क्रूर ग्रह आपोक्लीम भाव में अगर स्थित हो जाएं तो व्यक्ति जो है तो दीर्घायु होगा। हाँ, केंद्र में शुभ ग्रह पूर्ण फल देते हैं, पणपर में 50%, आपोक्लीम भाव में जो है 25%, और क्रूर ग्रह ठीक विपरीत हो जाते हैं। इसलिए जो है अगर आपोक्लीम भाव में क्रूर ग्रह की स्थिति हो और अष्टमेश स्थित हो तो वह दीर्घायु प्रदान करेगा। लग्नेश यदि अष्टमेश से अधिक बलवान हो तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। लग्नेश बलवान हो, गुरु केंद्र पर हो, लग्नेश भी केंद्र में ही स्थित हो और या केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, अष्टम में कोई पाप ग्रह ना हो तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। लग्न में बहुत से बलवान ग्रह यदि स्थित हो और अशुभ दृष्टि ना हो, किसी अशुभ ग्रहों से युत ना हो लग्न, तो व्यक्ति दीर्घायु होगा। तो आज मित्रों हमने जो है अल्पायु, दीर्घायु और मध्यायु के विषय में जो है तो चर्चा की है। अगले वीडियो में हम पुनः अन्य अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, राधे राधे।